आपको लगता है उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में खुलेआम लड़की सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित नहीं है? अद्धा कांड का तो बता दो। और जो उनसे कह रहा ना रेप और हत्याकांड हो रहे, वे सबसे ज्यादा वे बोल रहे जिन्होंने खुद कांड कर रखा। रेप और हत्याकांड का भी ना बदला 24 घंटे के अंदर अंदर ले रखा उसने। दिल्ली की तरह नहीं है कि लड़की के एक साक्षी मरी, कल कोई और, परसों कोई और। वो कांड नहीं है यूपी में। अगर एक ने मार दी ना, ऐसा दिला देगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर एनकाउंटर है उत्तर प्रदेश में। वो भगवा दारी है, उसका विदेश में घर नहीं है। उसने अपने भरण की कोशिश नहीं करी, जो कर दिल्ली में चल रहा फ्री कर दिया डंगा ठगा राज गद्दी पे लौट रहे। वो काम नहीं है बुलडोजर बाबा का। मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? मोदी के हाथ में नौकरी है क्या? वो तो वैकेंसी तो निकल लेगा, नौकरी तो खुद के हाथ में। पढ़ाई लिखाई करो तो नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? भाई सबको सरकारी नौकरी दे देगा? इतनी जनता भरी पड़ी है के घर में से 10-10 बालक पैदा हो लग रहे हैं, तो वो सबको नौकरी थोड़ी ना देगा। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनी किस लिए बढ़ाई गई है? रोजगार के लिए तो बढ़ाई गई। रोजगार करो, मना थोड़ी कर रखी है किसी चीज के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने रामलीला मैदान से सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि चौथी पास जो है वो राजा देश में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है, वो देश कैसे चला सकते? उसकी चौथी पास है वो फर्जी डिग्री ले रहा, वो फिर भी देश चला रहा। यू पढ़ा लिखा है अंकुद, इसने लोंडी का कांड करवा दिया, इसने छोरी मरवा दी, अब तक इसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस चीज पे। दिल्ली कर्जे में डुबा दी, पढ़ा लिखा इंसान है ना, जब भी दिल्ली कर्जे में डुबा रखी। पर ये मोदी की सरकार थी जो उन्होंने पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा लगा लगा के काट दे, इसलिए आज वो बुरा बन गया। कांग्रेस वाले के सरकार में कितने अकली कड़ गए थे? अभिनंदन को भी घर में तो कार्ड का लाया था पाकिस्तान के। अगर योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनते तो इससे खुशी की बात कुछ है ही नहीं। आइए जितने भी चोंच ठा ठा के बोल रहे ना, इनका फणा पिटेगा वो जरूरी, तो नहीं तो जब बात जरूर रहेगी।